एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। सामाजिक व्यवस्था में दो प्रकार के वर्ग होते हैं जो समाज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि पहला वर्ग बुर्जुआ जो पूंजीपति कहलाते हैं और दूसरा सर्वहारा वर्ग जो मजदूर होते हैं। इन दोनों की भूमिका समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों में मतभेद होता है लेकिन समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बुर्जुआ वर्ग हमेशा चाहता है कि धन बटोरकर अपनी स्थिति को उच्च श्रेणी में रखें। दूसरी ओर मजदूर वर्ग मेहनत कर अपने जीविका को चलाते हैं और ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी दोनों के बीच में मतभेद होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूरों एक हो जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। इस तरह से कहा जा सकता है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। पहला पूंजीपति वर्ग जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है और दूसरा मजदूर वर्ग जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इस तरह से सामाजिक व्यवस्था में ये दो वर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग कहलाता है। धन्यवाद।